हेलो दोस्तों, आज मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ और मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बात मेरे भारतवासी सभी के पास जाए और ज़्यादातर लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। और मैं एक बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ आज, और वो प्रोडक्ट है एरा। यह है कार के फ्रिज, आप देख सकते हो। दुनिया में अगर कोई कोई घटिया से घटिया कोई प्रोडक्ट है तो वो ये कार के फ्रिज है। ठीक है, इतना घटिया है, मैं इसका सब कुछ आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इसको मैं ऑर्डर किया था अमेजोन से, करीब 8 महीने हो चुका है और मैं 10-12 दिन यूज़ करने के बाद मैं इसको घर की किसी कोने में रख दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, एकदम बिल्कुल बेकार। तो मैं तो 3,000 का चूना खा गया। मैं चाहता हूँ मेरी तरह आपको भी ना लगे, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ बताता हूँ, ये रहा इसका जैक, जो एसी जैक है उसको यहाँ लगा देना है। और यह एक बटन दिया हुआ है, ऊपर डालोगे तो अंदर जो चीज़ रखोगे वो गर्म हो जाएगा, अगर नीचे करते हो तो जो चीज़ अंदर है वो ठंडी हो जाएगा। ऐसे तो उसका मेनू में लेकर लिखा था। और ये रहा वो जैक जो आप कार की 12 वोल्ट की सॉकेट में डालती हो, इसको डाल दो और यह जैक लगा दो, ये चालू हो जाएगा। ठीक है, चालू तो हो गया। उसको ठंडा होने में करीब करीब आपको 8 से 9 घंटा लगेगा, वो भी आप जो घर पे जो फ्रिज रखते, फ्रिज है हमारे घर पे, उतना ठंडा नहीं होगा। कितना ठंडा होगा, जो आप गर्मी के सीज़न में घर पे जो मोटर है ना, जिसका पानी नीचे चल आता है, वो मोटर में जितना ठंडा पानी आता है उतना ही ठंडा होगा 8 घंटे के बाद। एक बात ध्यान रखिए, 8 घंटे के बाद सिर्फ उतना ही ठंडा होगा। और उसकी मेनू में, और मज़े की बात देखो, इसके मेनू में लिखा है 8 घंटे से ज़्यादा आप चलाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा। कूलिंग में आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते, और हॉट में आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। हॉट में 2 घंटे से ज़्यादा चलाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो किस काम की ये, और सुनो, और सब और बताता हूँ उसका और बताता हूँ मैं आपको। और उसका मैं खोल के बताता हूँ आपको, ये देखो, कैमरा अंदर ला के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कैमरा अंदर ले आया, ये देखिए जो 4 बोल्ट दिख रहा है आपको, वही इससे सिर्फ कूलिंग होता है। छोटा सा रिया मेरे 2 उंगली से ये ढक जाता है, आप देख सकते हो। ये जो 4 बोल्ट दिख रही है, ये रिया ही सिर्फ ठंडा होता है। ठीक है, तो देखा आपने, उसका जो छोटा हिस्सा है वही जो ठंडा होता है या हॉट होता है, उससे ज़्यादा एरिया बिल्कुल खाली रहता है, हॉट नहीं होता, ठंडा नहीं होता है। छोटा सा एरिया है जो सिर्फ फ्रिज की जो नॉर्मल जो पानी की बोतल रहता है ना, उतना ही ठंडा होता है, सिर्फ इतना एरिया ठंडा होता है। तो इतना एरिया में ये पूरा का पूरा बॉक्स कूलिंग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसे आप ऑर्डर मत कीजिए। मैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बेकार की चीज़ आप लोगों के कुछ काम की नहीं। तो मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 8 महीने 7 महीने इसको घर में कोने में फेंक रखा था, तो मैं 3,000 रुपया तो लगा चुका हूँ उसमें। तो अभी मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसको मैं कहीं भी, अब अगर बाहर निकलता हूँ मैं, तो फ्रिज में जो डीप रूम है उसमें बर्फ़ करके कर लेता हूँ, छोटी छोटी बोतल पानी की, तो उसमें बर्फ़ वाला बोतल डाल देता हूँ। इसके बाद पूरे दिन ये ठंडा रहता है। और ये बर्फ़ अगर आइस बॉक्स में भी रखते हो आप, तो भी पूरा दिन ठंडा रहेगा। वो आइस बॉक्स आपको 700-800 में मिल जाएगा, तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई, ये बेकार की फालतू चीज़ है, आप मत खरीदिए इसको। मैं तो खरीद के फंस गया हूँ, आप मत फंसिए इस चक्कर में। और मैं ख़रीदने से पहले मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में देखा हूँ,
बछरी रूम में देखा हूँ, वो लोग कहते हैं आधे घंटे में ठंडा हो जाता है, 10 मिनट में ठंडा हो जाता है, 2 घंटे में ठंडा हो जाता है, फलाना ढिंकाना क्या ना जाने क्या क्या, सब कुछ बेकार की बात है। अगर कोई भी फिर भी ये ऑर्डर करना चाहता है तो अमेजोन में मिल जाएगा, 2-3 हज़ार से लेकर 4 हज़ार तक इसका प्राइस है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और ऑर्डर करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आ जाता है आप यूज़ कर सकते हो, और आप कुछ दिन यूज़ करने के बाद तो आप मेरी तरह हो जाएंगे, तो सोचते रह जाएंगे किसी पागल कुत्ते ने काटा कि मैं इस प्रोडक्ट को ले आया और इसको छोर फोड़ते रहना और उसका ज़िम्मेदार खुद ही ले लेना, क्योंकि उसका ज़िम्मेदार तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला हो वो भी नहीं लेगा, आप पहचानते भी नहीं, और आपकी सर का जो ज़िम्मेदार हो किसी को लेना पड़ेगा तो खुद ही ले लेना। तो ये आज का वीडियो यहाँ तक है, बहुत सी बातें कर लिया, तो अगली बार मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तो फिर से बोलता हूँ जाने से पहले, इस प्रोडक्ट को कोई भी ऑर्डर मत करना, बेकार की फालतू की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, बाय।